सब्सक्राइब करिए टेकिया सिर यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सिर यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज की स्टूडियो में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ गाइस, जिसकी मदद से जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, ये इमेज मैंने लिया हूँ रेडमी वाई वन से, बट गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है शॉट ऑन मी ए वन बाई टेकिया सर। तो गाइस ये कैसा कुछ, आप यहाँ पर अपना नाम डाल सकते हो और डिवाइस का नाम यहाँ पर चेंज करके एक स्टैम्प अपना लगा सकते हो। तो गाइस आज की स्टूडियो में मैं सारी चीज़ इसमें बताने वाला हूँ। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले तो आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है शॉट ऑन एम आई गाइस। उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्ले स्टोर पर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन को ऑन करना है गाइस, और ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और इंटरफेस में गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो शॉट ऑन आपको ऑन रखना है। यहाँ पर पहले तो आपको सब परमिशन पूछेगा एक दो, उसको आपको अनेबल करना है। देन उसके बाद में इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा गाइस। यहाँ पर आपको लोगो में जाओगे तो लोगो आप कोई भी ब्रांड का यहाँ पर लगा सकते हो, मी का, मोटोरोला, एल जी, वीवो, ओप्पो, माइक्रोमैक्स, हर चीज़ आपको लोगो वगैरह देखने को मिल जाएगी। लोगो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। शॉर्ट ऑन भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, मी जो शाओमी के जो डिवाइसेस है उसके पूरे के पूरे यहाँ पर आपको नाम मिल जाएंगे। बट गाइस अगर आपको शाओमी का नहीं रखना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक सेलेक्ट करके रखा हूँ आईफोन 10, तो वैसा आप अपने हिसाब से वन प्लस या सैमसंग वगैरह आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और शॉर्ट बाय भी अगर आपको सेव करना है, तो जैसे कि मैंने अपना नाम यहाँ पर सेव कराऊँ, और आप अपने हिसाब से भी, आप डिपेंड करता है आपका नाम क्या है उसके हिसाब से आप रख सकते हो। और यहाँ पर अगर आप एडवांस सेटिंग्स में जाते हो तो गाइस आपको यहाँ पर जो स्टैम्प पोजीशन जो आपका जो लिखा हुआ आएगा, आपको लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, बॉटम कहाँ पर चाहिए, टॉप में चाहिए, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। स्टैम्प साइज कहाँ क्या रखना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ट्रिपल एक्सेल रखना, वो ठीक है। और यहाँ पर फॉन्ट आपको कैसा चाहिए, रोबोटिक चाहिए, रेगुलर, आपको जैसा चाहिए आप अपने हिसाब से रख सकते हो। बहुत सारे यहाँ भी आपको ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस डायरेक्टली आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पर इसे ओपन करते हैं गाइस। सबसे पहले तो आपको ओपन करना है, और बहुत ही ईजी है। यहाँ पर आपको कैमरा में जाना है गाइस। कैमरा में जाने के बाद यहाँ पर आपका कैमरा जो नॉर्मल कैमरा है उसे सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद गाइस सपोज यहाँ पर मैंने बैक कैमरा खोला, यहाँ पर आपको सिर्फ इमेज क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको 2 से 3 सेकेंड का यहाँ पर वेट करना है। वेट करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर देख सकते हो स्टैम्प एडिट सक्सेसफुली लिखा हुआ है। और गाइस जैसे कि आप खोलोगे यहाँ पर ये हमने खींचे, और यहाँ पर जैसे कि मैंने ये सेव करके रखा हूँ शॉट ऑन मी A1 बाई टेकिया सर। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैं ये फ़ोन आपको दिखा दूँ गाइस, रेडमी Y1 है, डुअल कैमरा वगैरह नहीं है। तो ये Y1 से मैंने A1 यहाँ पर स्टैम्प सेव कराऊँ। आपकी मर्ज़ी, आप जो भी नाम यहाँ पर सेव करना चाहो और अपना नीचे नाम डाल सकते हो। तो गाइस ये एप्लीकेशन बहुत ही मतलब आप यूज़फुल आप बोल सकते हो। यहाँ पर अगर आप सोशल मीडिया पर आपको अपना फ़ोन अच्छा दिखाना है, या आपको अपना नाम दिखाना है कि भाई शॉर्ट भाई यासर ने सेव करा, या कोई भी नाम है आपको दिखाना है, तो आप डेफिनेटली ये एप्लीकेशन को चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस ये तो छोटा सी यहाँ पर ट्रिक थी, मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर कर दूँ। और आपको हेल्पफुल लगी या नहीं लगी ज़रूर से मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।